आई होप सब बढ़िया हो गए। लास्ट वीडियो में जो आपका प्यार मिला, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। चलो आज देखते हैं आइस, आइस कैसे बनाते हैं। पहले थोड़ा सा प्रपोर्शन समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम आगे का काम, ठीक है। पहले सिर्फ माइंड सेट करना है कि हमें हमारे आइस में प्रपोर्शन कट कैसे लगते हैं, कहाँ से होते हैं, सिर्फ ये देखना है, ठीक है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, इसको हाफ डिवाइड किया, ऊपर एक अपनी मर्जी से एक इसको हाफ करा, डिस्टेंस ले लिया, सेम कट एक लाइन ले ली बस, ठीक है। यहाँ भी एक लाइन ली। अब इसको ये जितनी मैंने लाइन ली है, जितना ऊपर डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस यहाँ पे रिपीट करो, ये एंड देन यहाँ सेम आगे भी कर दो हमारी नॉलेज के लिए, और ये कट यहाँ पे लगा दो, ये एक बन गया हमारा एक बॉक्स टाइप से, ठीक है। ये कट है यहाँ पर, इसको जोड़ो, ठीक। तो इससे क्या है, हमारा माइंड सेट हो जाएगा कि कैसे कट लगते हैं उसमें, कैसा होता है। ये आपको एक नाव की तरह लग रही है, शिप की तरह लुक लाइक है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक ये लाइन है, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ इसे, यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दो, तो ये कैसी हो जाएगी हमारी आइस। तो बेसिक शेप पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे बनती है, मुड़ती है कोई भी चीज़, तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हमारा सर्कल, तो हमारा आई बोल होता है, ये हमारा ये कलर करेंगे, ठीक है। कलर तो नहीं, वैसे कैची करेंगे। अब ये हमारी डिटेलिंग का थोड़ा सा पार्ट जो चालू हो जाता है, ये तो प्लीज़ इसको ज़रूर समझ लेना। एक बार दोबारा फिर देखते हैं, एक लाइन ली, ठीक है, इसको हाफ डिवाइड किया, अपनी मर्जी से एक डिस्टेंस पे सीधी लाइन ले ली, ठीक है। अब सेम जितना डिस्टेंस है नीचे ले लिया, इन दोनों डिस्टेंस को यहाँ रिपीट करना है, वन टाइम एंड टू टाइम, ठीक है। अब ये कट यहाँ पर क्योंकि सेम जाएगा, ये भी कट सेम ऊपर से नीचे जाएगा, इसको कनेक्ट करो, इसको भी कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, ये हमारी शिप की तरह बन गया। इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाओ और इसको मोड़ दो। अब इसको अगर हम पूरा बनाएंगे तो ये देखो, और हमारे आइस का आकार बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे एक बॉल ऐड हो जाएगी, ये और यहाँ पे हमारी पलके बन जाएंगे इसके। ये छोटा डिटेलिंग का पार्ट, ये हमारी आईब्रो का पार्ट, ठीक है। ये तो हुआ हमारा प्रोपोर्शन कैसे होता है। अब चलो देखते हैं थोड़ा सा और। अब जैसे हमने ये फेस का एक सर्कल लिया है, सॉरी ये हाफ काटा, अब चलो एक रफली पहले एक फेस का स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ, इससे सबको आसानी होगी जानने में। देखो इसका हाफ, ये वाली लाइन हो गया, थोड़ा सा भी हाफ नहीं हुआ। तो क्या करना है, देखो जब हम दो आइज़ बनाते हैं फेस पे, तो उसके बीच में एक आइज़ का गैप होता है, कैसे होता है ये देखते हैं। अब भाई हमें तो आइज़ बनानी है इसके नीचे अंदर। अब ये एक लाइन ली यहाँ पर, थोड़ा सा ये हमारा डिस्टेंस बेकार हो गया, कोई नहीं, हमें आइज़ बनानी है इसके अंदर। तो हमारा यही वाला पैटर्न चलेगा, और मेरा थोड़ा पीछे दिक्कत कर रहा हूँ, देख लेते हैं थोड़ा आइस को। बस आइस बनाना सबसे बढ़िया काम है किसी भी कैरेक्टर की। हमें इस तरीके से बनाना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये प्रोपोर्शन मेरा थोड़ा सा
हल्का इधर उधर हो गया है लाइन जो है, वैसे लाइन होनी चाहिए थी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है तो ठीक था। चलो अब देखो इसके बाद, अब जो नोज़ बनेगी वो ऐसे बनेगी, और ये तो बता दूंगा बाद में, ये अभी नहीं, जस्ट ऐसे ही रफली ले रहा हूँ मैं भी कैरेक्टर की। लिप जस्ट मैं रफली ले रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ अभी आईज बतानी, तो मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ, प्लीज़ स्केच पे ध्यान ना दें, मुझे सिर्फ आईज पे ध्यान देना है, कि मेरे मेन मोटो आई भी आईज को समझाना है। ठीक है, ये हमारी आईज हो गई, तो आईज को इस तरीके से फेस पे लगाते हैं, मतलब तो पता लग ही गया है, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं फिर दोबारा। ठीक है, तो ये एक लाइन ली हमने ऊपर से, ये हल्का सा एक कट बनाया ये, ठीक है, ये देन ये हमारे आई बॉल आ गई इसकी, आई बॉल की प्रैक्टिस जरूर करनी है भाई, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छी बनेगी भी नहीं आई। तो आई होप आपको ये आई समझ में आई होगी। ठीक है, ये भी तरीका है, ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपको। अब जैसे हम एंग्री आईज बनाते हैं, ये हमारी आईब्रो, ये हमारा एंग्री, तो आई होप आपको ये आईज का पैटर्न थोड़ा समझ में आया होगा इजी तरीके से। मेन क्या है हमारा जो है, ये प्रोपोर्शन जो हम लाइन लेके समझते हैं, हमें लाइन ज़रूर लेनी है उस पर, और को करना है पूरा। अगर हम प्रोपोर्शन पहले समझना है, और पहली बात तो प्रोपोर्शन तो मैंने बता ही दिया है आपको, समझना बहुत ज़रूरी है उसको, कि कैसे कैसे हमारे पोज और लाइंस उसमें ऐड होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम नोज़ या लिप कुछ भी एक टॉपिक लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।